समर्थ वड़े वाले, इसके बैनर्स आपको दूर से ही दिखाई देंगे। बहुत ही नाम सुना है ये प्लेस का। तो आज हम करेंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट, देखेंगे क्या क्या वैरायटीज एंड ऑप्शंस अवेलेबल है, कैसा है टेस्ट, इज इट वर्थ द नेम एंड हाइप आई हैव हर्ड ऑफ। चलो लेट्स ईट। तो आ गया है हम लोग का खाना, ब्रेकफास्ट स्टॉप हमने लिया है वड़ा पाव। अब हम कर रहे हैं वड़ा पाव का टेस्ट टेस्ट। गरम है वड़ा। गरम है, काफ़ी टेस्टी है यार। और चटनी हम लोग देखेंगे। चटनी बहुत ही यमी है रे। गार्लिक का अच्छा फ्लेवर है। हाँ, स्पाइसी है वड़ा, चटनी का भी स्पाइस है। सॉफ्ट पाव, क्रिस्पी आउटसाइड, जो आप देख रहे हैं बैटर वो है। स्पाइसी है थोड़ा वड़ा पाव। जो प्राइसिंग है हम आपको बताएंगे, अभी हमको प्राइस पता नहीं है, हम लोग खाना चालू कर दिया है। वड़ा पाव भाई 10 में से हम इसको 9 नंबर तो दे ही सकते हैं। बहुत ही यमी वड़ा पाव है। अब मिसल पाव खाएंगे और आपको फिर बताएंगे कैसा है। तो हमको मिले हैं दो पाव जो कि टोस्टेड है, वार्म गरम पाव है। मटकी है, शेव है इसके अंदर, सेव जो आप कहते हैं शेव इन मराठी। आपको प्याज, कोथिंबीर और क्यूक्यूम्बर मिलता है और आपको उसके साथ सैंपल मिलता है। सैंपल के अंदर आप देखेंगे मटकी या फिर स्प्राउट्स भी डाले हुए हैं। डालेंगे ये तर्री। एक चीज़ आप कंसिस्टेंटली नोटिस करेंगे कि यहाँ के खाने में कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा है, या फिर गुजराती में जैसे बोलते हैं लिमड़ो वधारे छे। तो पर्सनली कड़ी पत्ता का फ्लेवर इज़ गुड, बट आई डोंट लाइक इट व्हेन इट कम्स यू नो इन अ बाइट। तो इसलिए आप देखेंगे मैंने वड़ा पाव के भी कड़ी पत्ते निकाल के रखे। तो ये हो गया, निकालेंगे करी पत्ता। अभी डालेंगे मस्त मस्त प्याज और अब डालेंगे नींबू। अरे यार बीच गिर गया। ओहो, वन चांस में निकाल लिया। करेंगे इसको मिक्स। ये वाइड एंगल मैंने पहले ही सिलेक्ट कर देना चाहिए था। मज़ा आ रहा है। यमी, नॉट टू स्पाइसी, नॉट टू डल। ऐसे नहीं कि यार किधर का भी मिसल खा लिया मज़ा नहीं आया, पेट भर लिया। बहुत ही यमी मिसल है, बैलेंस फ्लेवर्स लग रहे हैं मुझे। अभी मिसल पाव जिन लोगों को नहीं पता है, आप डेफिनेटली गूगल कर सकते हो, या फिर वेजी पाजी के वीडियोस देखो, HMM के वीडियोस देखो, दिल से फूडी के वीडियोस देखो, आपको समझ जाएगा मिसल पाव क्या है। महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस डिश है। सो इट्स बेसिकली ऑन अ सेवरी नोट, पाव के साथ आप खाते हो। तो बहुत ही माइल्ड ऐसी मिसल है। आपको तर्री चाहिए तो आप तर्री डाल के स्पाइसी बना सकते हो इसको, ऐसे नहीं, स्पाइस लवर्स नाराज़ ना हो। और यमी है यार सच्ची में, मतलब ऐसे यमी मिसल है। पाव के साथ एक बाइट लेते हैं। तो मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया यार। वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी सैटिस्फैक्ट्री। इट्स आई कैन से इट्स रियली वर्थ द नेम। इतने टाइम से मैं सुन रहा हूँ, लॉकडाउन में पूरा वो बंद था, अभी जाके अनलॉक में वो थोड़ा खुला है। तो ऑन द वे अगर आप जा रहे हो पुणे से आलंदी साइड, चाकन साइड क्रॉस करके, और आपको समर्थ वड़े वाले दिखे, तो आप आइस बंद करके आप यहाँ पे रुक के आप मिसल और वड़ा पाव खा सकते हो। आप सेटिस्फाई होगे इसकी गारंटी मेरी है।
तो अभी हम खाएंगे और इसके बाद आगे जाएंगे। हमने और हम लोग सोच रहे थे कि जाते हैं, लेकिन अभी हम वापस कब आएंगे पता नहीं। तो हमने इनका अच्छा एक मस्त गरम बटाटा भजी भी ऑर्डर किया है, फ्रेश और गरम है। सॉरी। मस्त एकदम। अभी बटाटे भजी में ऐसे देखा जाए तो ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। बटाटा भजी एज इन पटेटो पकोड़ा, तो ऐसे कुछ बताने जैसा नहीं है। प्लेन पटेटो होता है जिसको बेसन के बैटर में फ्राई करके देते, तो अच्छा है, फ्रेश है, ज़्यादा विषय नहीं है, मस्त है। प्लेन सिंपल एंड यमी, चटनी के साथ ट्राई करेंगे एक बाइट लास्ट। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, चटनी साथ खाओ मज़ा आ गया। चलो बहुत हो गया, बाय। तो ये है रेट लिस्ट यहाँ की, आप देख सकते हैं काफ़ी बजट में यम्मी खाना। अभी हम लोगों ने दो मिसल पाव, एक प्लेट बटाटा भजी, दो वड़ा पाव, दो एक्स्ट्रा पाव लिया था एंड 180 हुआ से, तो भाई मस्ट विजिट है। तो दिखाते हैं आपको अंदर का एम्बियंस से भी, बहुत ही खूबसूरत, नीट क्लीन, टेक्सचर्ड ब्रिक वॉल्स जैसा पैटर्न, फैंसी अंबा पेटी, मैंगो पेटी, या फिर पेटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसके अंदर बल्ब। अगर आप मराठी जानते हो तो पॉज करके ये पढ़ सकते हो ऊपर क्या लिखा है, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है इन लोगों ने। तो वी हैव सोप एंड वॉश बेसिन यहाँ पे, एंड वॉशरूम फॉर लेडीज एज वेल एज जेंट्स, विच इज़ अ गुड थिंग इफ़ यू आर टेकिंग अ स्टॉप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। द वॉशरूम्स आर क्वाइट क्लीन। तो चलो रेडी टू लीव अगेन।